Samsung Galaxy S24 का बॉक्स आ गया है जी। आपको फोन तो दिखाया, फर्स्ट लुक दिखाया हुआ है, लेकिन आज अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। और एक बात कहूं, जो मैंने पहले भी कही थी हमारे ट्रेंड्स के वीडियो में बताया था कि AI इज गोइंग टू डोमिनेट। इनफैक्ट अनबॉक्सिंग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और एक बात बताऊं, S24 अल्ट्रा सेट्स अ बेंचमार्क। बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी है इस फोन के बारे में। बॉक्स थोड़ा बड़ा है, बट ये हमारे लिए, अगर आप खरीदोगे तो आपको ये छोटा बॉक्स मिलने वाला है। ये ज्यादा कुछ नहीं होता है। और कुछ है क्या इसके अंदर? नहीं, और कुछ नहीं है। गैलेक्सी AI इज देयर हाईलाइट है, वो सब जगह पे वही दिखेगा। ब्लैक बॉक्स फोन राइट अप फ्रंट, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, USB टाइप सी टू टाइप सी केबल आती है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, सिम कार्ड टूल है किधर? है, सिम कार्ड टूल भी है दोस्तों, राइट हियर। रखते हैं साइड में, लेट्स लुक एट द फोन। हाथ में लेते ही दोस्तों पहली चीज आप नोटिस करते हो कि ये अगर मैं S23 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो लाइट वेट हो गया है। एंड रीजन ऑब्वियसली टाइटेनियम फ्रेम आती है अब, लेकिन कितना लाइट वेट हो गया, लेट्स सी। आई रियली वांट टू चेक दिस आउट, मुझे सीरियसली देखना है, मुझे भी पता नहीं है, बट लाइट डेफिनेटली है, एटलीस्ट 15 ग्राम से लाइट है अगर मैं कंपेयर करूं S23 अल्ट्रा के साथ। तो वो 233.8 ग्राम्स, वाओ 235, बट ये नोटिसिबली लाइट लगता है, हार्डली 3 ग्राम, 2 या 3 ग्राम का डिफरेंस है। आई थिंक इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन दिस। ऑलराइट, पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। बिजी है, नीचे सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, एस पेन का स्लॉट है, एंड एस पेन भी है उसके अंदर, सो दैट इज देयर। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, एंटेना लाइंस दिखते हैं टाइटेनियम फ्रेम के ऊपर। और दोस्तों ऊपर की तरफ अगर बात करूं तो 2 नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, सो 2 माइक्रोफोन ऊपर है, वाओ। एंड देन राइट हैंड साइड वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। इन हैंड फील अच्छा, बड़ा है दोस्तों, ऑब्वियसली अल्ट्रा फोन है, बड़ा फोन है, ऑन द हेवियर साइड डेफिनेटली है, बट अच्छा लगता है, बहुत ही स्टर्डी है। एंड स्टर्डी क्यों है? क्योंकि आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास आर्मर मिलता है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। विक्टिस 2 का ये सक्सेसर है, इसीलिए गिराने वाले हैं, वो भी जरा जोर से गिराएंगे, आर्मर है भाई। ज्यादा ही जोर से हो गया, आवाज बहुत आता है पीछे से। नहीं, नथिंग, वेरी स्टर्डी, मतलब आई डोंट थिंक ये थोड़ा बहुत 2-3 फीट से अगर फोन गिरेगा तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बट यस, आप ध्यान रखिएगा जरूर। इनफैक्ट मैं डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा सबके बारे में बात करने वाला हूँ, बट AI इज द हाईलाइट, और AI के बारे में कुछ बात करते हैं। आई एम यू नो काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विद इट। लिटरली दोस्तों हर एक एरिया में AI आ गया है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल इंटरएक्टिव सर्च, किसी भी ऐप पे रहिए आप या फिर ब्राउजर पे रहिए, आपको इंटरएक्टिव सर्च का फायदा होगा। वॉट इज इंटरएक्टिव सर्च? आपको टाइप नहीं करना है, बात नहीं करना है, जो भी चीज स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों उसे सिर्फ सर्कल कीजिए, अगर आपके पास अल्ट्रा है, नॉन अल्ट्रा है तो हाथ से कीजिए, एंड इट विल सर्च राइट देयर। दूसरा दोस्तों जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा, और वो है इसका लाइव ट्रांसलेट। सोचिए आप एक लाइन हिंदी में बात कर रहे हो, कोई और तमिल में बात कर रहा है, बट यू कैन स्पीक फ्लुएंटली टू ईच अदर। यस, दैट इज द मैजिक ऑफ लाइव ट्रांसलेट। इनफैक्ट आपको एक डेमो दिखाता हूँ, देखिए। सारी फोटोज जो हमने किए, ऑल द फोटोज दैट आर, ओह ऑल राइट, आई विल सेंड इट टू यू, बट डू यू नीड वाया व्हाट्सएप और वाया मेल? ठीक है, मैं इसे आपको भेजूंगा, लेकिन क्या आपको व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से चाहिए? व्हाट्सएप पे HD फोटोज सेंड कर दो मुझे। सेंड मी एन HD फोटो ऑन व्हाट्सएप। व्हाट इफ आई डोंट सेंड यू? क्या होगा अगर मैं आपको नहीं भेजता? आई डोंट नो, मैं तुझे बहुत मारूंगा। अर्नब, आई विल किल यू अ लॉट। लेकिन याद रखिए अभी 13 languages का सपोर्ट है, ऑब्वियसली languages और भी बढ़ेंगे, बट यस 13 languages are supported now। और कॉलिंग में ही नहीं दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, उधर भी मैसेजिंग वगैरह कर रहे हो, उधर भी लाइव ट्रांसलेट होता है। सो ये जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर जो है ना, वो निकाल दिया है इस फोन ने। और ये सब कुछ चीजें ऑन डिवाइस होती है, इट डज नॉट गो टू क्लाउड। हाँ, स्टार्ट में आपको छोटा सा पैकेज जो होता है लैंग्वेज का, वो डाउनलोड करना पड़ता है, दैट्स इट। स्पेशली अब अल्ट्रा जो है ना, उसका एसपेन और भी लोग यूज करने वाले, क्योंकि देखिए मेरी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब इसमें एक फीचर आ गया है जहां पे मैं कुछ भी स्क्रिबल करता हूं, ऊपर नीचे लाइंस ठीक तरह से नहीं है, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली AI की मदद से फॉर्मेट करता है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह आपको दिखाता है। इतना इजी हो गया है,
माय गुडनेस, ये तो नोट टेकिंग के लिए हो गया, लेकिन आपके स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा पैराग्राफ है, बहुत सारा टेक्स्ट है दोस्तों, वो आपको समराइज करना है एआई से, वो भी समराइज होके वो आराम से आपको दे देगा 3-4 लाइन में कि भाई ये समरी है इस पैराग्राफ की। और दोस्तों सोचिए, आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपका क्लास चल रहा है और आप रिकॉर्ड कर रहे हो, 10 लोग बोल रहे हैं, लिटरली 10 लोगों का जो आवाज है वो सेगमेंट कर सकता है और आपको बुलेट पॉइंट बना के दे देगा। मतलब यू डोंट हैव टू लिसन टू दैट वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी आपने किया हुआ है, ऑटोमेटिकली एआई क्रिएट कर देगा पॉइंट्स, नोट्स, जो भी है। माय गॉड, इट इज बिकम सो इजी नाउ। माय गॉड, मतलब आजकल के स्टूडेंट्स के लिए क्या इजी हो गया ये। जनरेटिव एआई के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, जनरेटिव फिल, जनरेटिव वॉलपेपर्स आ गए। अब कोई भी वॉलपेपर ऐप की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जैसे चाहिए वैसे आप वॉलपेपर्स क्रिएट कर पाओगे, जैसे आर्किटेक्चर वाला चाहिए, ये कलर में चाहिए, द वे यू वॉन्ट इट। दोस्तों फोटो एम्बियंट वॉलपेपर भी आ गया, तो आप कोई भी वॉलपेपर आपको जैसे चाहिए क्रिएट कीजिए। बाहर स्नो गिर रहा है, बारिश गिर रही है, आपको एक्चुअली लॉक स्क्रीन पे वो दिखेगा। सो लॉट ऑफ स्मॉल निफ्टी फीचर्स। वन यूआई 6.1 आता है इसके ऊपर, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे नए फीचर्स आए हुए। फॉर एग्जाम्पल लॉक स्क्रीन पे भी देखिए, बहुत सारे नए विजेट्स वगैरह आ गए जो बेसिकली आप इस्तेमाल कर पाओगे। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। जनरेटिव फिल, जी हाँ, फोटो आपने निकाल लिया और एक पोल आ गया या ट्री आ गया या कार आ गया, जो आपको निकालना है, अनवांटेड चीज जो भी है निकालनी है, आई टेल यू व्हाट, ऐसे हो जाता है। इसके लिए क्लाउड पे वो जाता है, आई थिंक बाकी सब जो है वो ऑन डिवाइस है, सिर्फ इसी के लिए, बट वो भी इतनी अच्छी तरह से करता है, आई वॉज इम्प्रेस। और सैमसंग ने एक चीज अच्छी की है, क्योंकि अगर आपको अगर पता नहीं चला कि ये जनरेटेड है या एक्चुअल ओरिजिनल फोटो है, तो उसके लिए बेसिकली फोटो के ऊपर भी एक वाटरमार्क देता है एंड मेटा डेटा में भी एड करता है कि दिस इज जनरेटेड बाय एआई। और मैंने जब फर्स्ट लुक वीडियो किया था तब पता नहीं था, मुझे लगा था 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले, नहीं, 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड देन Android 21 तक आपको मिलने वाला है। वैसे 7 साल तक कौन फोन इस्तेमाल करता है, बट यस, अपडेट्स जरूर मिलेंगे आपको। अगर मैं हार्डवेयर के बारे में बात करूं, इट्स अ इंक्रीमेंटल अपडेट। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, इसका ब्राइटनेस बढ़ गया है। जी हां, 6.8 इंच का QHD प्लस, मतलब 2K डिस्प्ले आता है इसके अंदर। LTPO डिस्प्ले है, तो एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस हो गया, सो दैट इज गुड। और हाँ, अब फ्लैट डिस्प्ले हो गया, वो कर्व नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ्लैट डिस्प्ले अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, फ्लैट इज बेटर। व्हाट इज योर चॉइस, नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, डिस्प्ले लो रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है ये। या तो आप बाहर हो, सीधा सनलाइट आ रहा है इसके ऊपर, इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, सो इट विल मेक इट इजी फॉर यू टू रीड ऑन द स्क्रीन। सो दैट परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इसमें आता है 8 Gen 3 मेड फॉर गैलेक्सी। अब डिफरेंस क्या है, बेसिकली प्राइम कोर थोड़ा ओवरक्लॉक कर दिया है 3.39 GHz पे, नॉर्मल वाला जो है वो 3.3 पे, लेकिन बाकी के जो कोर्स है 7 कोर्स वो आपको 100 MHz से कम है। सो अगर 3 GHz होगा तो 2.9 है कहां पे जो दूसरे कोर्स है। और मुझे लगता है ये हीट मैनेजमेंट के लिए, थर्मल्स के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। इसका स्कोर जो है अंततः स्कोर क्लोज टू 2 मिलियन आता है, 1.92-1.93 मिलियन आता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे, गेमिंग में कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS पे खेल पाओगे, न्यू स्टेट जो है दोस्तों वो 90 FPS पे खेल पाओगे। वैसे थर्मल्स भी ना अच्छे हैं, दे आर मच कंट्रोल, क्योंकि 1.9x वेपर कूलिंग चेंबर है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन अच्छी तरह से होता है एंड फोन ठंडा ठंडा रहता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इंटरेस्टिंगली एक ही वेरियंट आता है 12 GB RAM का। हाँ, यू हैव स्टोरेज ऑप्शन है 256 है, 512 है, 1 TB भी है, बट दे डिड नॉट गो ऑन दैट 16 GB 24 GB वाला जो बैंड वैगन था, उधर नहीं है, 12 GB RAM वाला ही फोन आता है। 5000 mAh की बैटरी है, चार्जिंग स्पीड बढ़ाया नहीं है, 45 W का चार्जिंग स्पीड है, 15 W वायरलेस चार्जिंग है, 4.5 W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आती है। वैसे दोस्तों USB टाइप सी जो है ये USB 3.2 Gen 1 है। मल्टीमीडिया बड़ा डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले है, सैमसंग फ्लैगशिप S24 अल्ट्रा का डिस्प्ले है, जबरदस्त है। इवन ऑडियो के मामले में क्वालिटी इज गुड, मल्टीमीडिया में तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। फ्लैट डिस्प्ले, बहुत ही पतले बेजल्स वगैरह, सो या मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर आते हैं ऑब्वियसली, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दे वर्क वेरी वेल। एंड अगेन फ्लैगशिप है, तो सिक्योरिटी के मामले में नॉक्स मैट्रिक्स आता है, जो बेसिकली इंश्योर्स दैट योर डेटा इज प्राइवेट, नॉक्स सिक्योरिटी आती है। कनेक्टिविटी अगेन वाईफाई 7 है, 5G सभी बैंड्स का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 आता है, NFC है इसके अंदर, सो ऑल द कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। वैसे अगर मैं सिम कार्ड के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ड्यूअल नैनो सिम कार्ड आता है, बट eSIM का भी सपोर्ट है, सो इट्स ड्यूअल नैनो सिम कार्ड। एंड अगर eSIM इस्तेमाल करना है तो एक फिजिकल और एक eSIM आप इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे क्योंकि आपको बता दूं, सैमसंग फाइंड माई फोन जैसे फीचर होता है, वैसे सैमसंग फाइंड नाम का फीचर है, तो एक ही उस ऐप से आपके जो भी सैमसंग
सैमसंग के डिवाइसेस है वो सब आप फाइंड कर पाओगे. अल्ट्रा वाइड बैंड का सपोर्ट है तो उससे वो ट्रैक करता है. दैट इज गुड. फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कैमरास. क्वाड कैमरा सेटअप है इसमें. 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है. 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है जो आपको 5x ऑप्टिकल जूम देता है. और एक टेलीफोटो सेंसर है जो 10 मेगापिक्सल जो आपको 3x देता है. और अगर पेरिस्कोप और टेलीफोटो को कंबाइन करते हैं तो टोटल ऑप्टिकल जूम आपको 10x का मिलता है. एंड 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है. सो दैट इज द सेटअप. फोटोज वगैरह दिखाने वाला हूं जी ड्राइव पे. बहुत सारे ओरिजिनल फोटोज निकाले हुए, जरूर जाके देखिएगा. अगर मैं जूम के बारे में बात करूं, इट स्टेज इंटैक्ट. मतलब जो लीगेसी S23 अल्ट्रा की ये फॉरवर्ड करता है. तो अगर मैं पेरिस्कोप के बारे में बात करूं, मतलब टेलीफोटो के बारे में, पहले 10 मेगापिक्सल का था, अब सीधा 50 मेगापिक्सल का हो गया. एंड और एक एक्स्ट्रा भी दे दिया है. उतना ही नहीं दोस्तों, इसका जो अपर्चर है वो भी कम कर दिया है. मतलब ज्यादा वाइड अपर्चर हो गया है. पहले f4.9 था, अब 3.4 हो गया है. और जिसकी वजह से लो लाइट कंडीशन में आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो. और हाँ, AI का ऑब्वियसली कैमरा में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें भी है दोस्तों, जहां पे इसेंशियली AI की मदद से वो फोटो शार्प करता है. जब आप जूम फोटोज वगैरह निकालते हो, इट मेक्स इट शार्पर यूजिंग AI. वैसे नॉर्मल जो फोटोज है दोस्तों, वो 12 मेगापिक्सल डिफॉल्ट मोड जो है वो 12 मेगापिक्सल पे फोटोज निकलते हैं. लेकिन आप नेटिवली 200 मेगापिक्सल के फोटोज भी निकाल पाओगे. एंड इंटरेस्टिंगली नया नाम दिया है सैमसंग ने, प्रो विजुअल इंजन. ये सब जो नए फीचर्स वगैरह आ गए उसके लिए. और मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपने फोटो निकालने के बाद भी आप उसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो AI के साथ. इधर वो क्लाउड में जाता है तो एडिट वगैरह करना है, कुछ चेंज करना है फोटो में, कुछ निकालना है, कुछ ऐड करना है, ऑल दैट यू कैन डू. एंड आई विल टेल यू व्हाट, आई वाज इंप्रेस्ड. मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए फीचर आया हुआ है, जब हमने उसे यूज किया I was impressed. और एक मुझे फीचर अच्छा लगा, ज्यादा बात नहीं उसके बारे में, लेकिन वो इंस्टेंट स्लो मोशन. तो आपने नॉर्मल वीडियो निकाला हुआ है, लेकिन अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे वो एक्चुअल में स्लो मोशन करता है. इसेंशियली AI की मदद से वो बीच में फ्रेम्स डालता है, मेक्स इट स्लोअर. Looks good. All right, वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं. 4K 120 FPS से शूट कर पाओगे. But another impressive thing is 4K 60 FPS में 0.6x से लेके 10x तक आप वीडियो शूट कर पाओगे. Now that is impressive. और उतना ही नहीं, it is जब आप वीडियो शूट कर रहे हो आप actually चेंज कर पाओगे वो while shooting the video. वैसे सेल्फी के बारे में बात करूं तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, बट इट कैन शूट 4K 60 FPS videos. वैसे वायरलेस चार्जिंग के बारे में बता दिया मैंने, और एक दो चीजें, IP68 का सर्टिफिकेशन आता है, तो पानी और डस्ट वगैरह होगा कोई प्रॉब्लम नहीं. बाकी वॉट एवर यू एक्सपेक्ट इन अ फ्लैगशिप फोन, एवरीथिंग इज देयर. आई मीन सीरियसली, हमें कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करना होगा और ये मेरा प्राइमरी ड्राइवर होने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो इसका एक डिटेल रिव्यू आने वाला है, उसके लिए जरूर रुकिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, वैसे ही S24 सीरीज में भी बहुत सारा रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल किया है. सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो पैकेजिंग है दोस्तों, उसमें 100% रिसाइकल्ड मटेरियल है. एंड देन ये बटन्स वगैरह जो एल्यूमिनियम वगैरह यूज किया है वो भी बहुत सारा रिसाइकल्ड है. सो या दैट इज दैट. बट व्हाट डू आई थिंक, व्हाट आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ S24 अल्ट्रा. पहले थोड़ा प्राइस के बारे में बात करते हैं. इसकी जो प्राइस आई हुई है दोस्तों बेस वेरिएंट की, वो स्टार्ट होती है 1,29,000, मतलब 1,30,000 से. बट अगर अभी आप प्री ऑर्डर करोगे, कुछ 22,000 के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं. 12,000 के डायरेक्ट बैंक ऑफर्स वगैरह हैं, एंड 10,000 का आपको स्टोरेज स्पेस मिल रहा है. सो टोटल 22,000 के बेनिफिट्स मिलने वाले. तो इफेक्टिव प्राइस अगर मैं देखूं तो 1,18,000 में आपको 512 GB वेरियंट मिलने वाला है, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड. प्राइस के मामले में इट वॉज एक्सपेक्टेड. S23 की भी प्राइस सिमिलर थी, इस टाइम S24 अल्ट्रा की भी प्राइस सिमिलर है. ये 4,000-5,000 से ज्यादा है, बट ऑफर्स की वजह से थोड़ी कम हो जाती है. S24 बेस वेरियंट एंड प्लस इसका भी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग आ रहा है, तो वेट फॉर दैट. जो S23 अल्ट्रा के साथ वन ऑफ द बेस्ट फोन था 2023 में, इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है 2024 का वन ऑफ द बेस्ट फोन होने का. यूज करने दीजिए, मजा आने वाला है अगले कुछ दिनों में. आई एम एक्साइटेड, आर यू? वैसे दोस्तों, कोई सवाल है आपको S24 अल्ट्रा के बारे में, कोई आपका दोस्त वगैरह जो है वो S24 के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो फॉरवर्ड करना मत भूलिए. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.